Assalamu alaikum, dear students. How are you all? We are studying science carnivals for class 2 and our lesson is the seasons mausam, chapter number 10. We are studying vocabulary zone. Key term science mein hamare paas ye 3 key terms humne previous video mein kar li thi. Aaj hum log next jo hain unko discuss karte hain. Temperature hai. Temperature kya hota hai? A measurement that indicates how hot or cold something is. Measurement पैमाइश that indicates जाहिर करता है ये अलामत. Indicate का मतलब यही होता है अलामत या निशानदेही करना. How hot or cold something is कि temperature जो है वो ये जाहिर करता है पैमाइश है किसी चीज़ के कोई चीज़ जो है मौसम है या कोई चीज़ कितनी गर्म या सर्द है. Next है humid. Humid का मतलब होता है तर या गीला. Where the atmosphere contain a lot of water vapors. Atmosphere जिसमें बहुत ज़्यादा water vapors हों. Water vapors होते हैं पानी के बुखारात. Where the atmosphere contain a lot of water vapors. जिसमें humid क्या होता है जहाँ पे पानी के बहुत ज़्यादा बुखारात हों ये नमी हो जिसमें. ये हमने की टर्म्स इसकी हो गई है vocabulary zone में सारी पेज नंबर 100 पे. इसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है पेज नंबर 102 पे. देखिए स्किल्स सॉरी टेस्टिंग जोन है. इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास. टिक द करेक्ट ऑप्शन है वी ईट एंड ड्रिंक कोल्ड थिंग्स ड्यूरिंग द डैश सीजन. कौन से मौसम में हम ठंडी चीज़ें खाते या पीते हैं. मूनसून विंटर समर नन ऑफ द अबव. इनमें से कोई नहीं. हम गर्मियों के मौसम में समर सीजन में हम ठंडी चीज़ें खाते और पीते हैं तो समर पे आप लोग टिक करेंगे. नेक्स्ट है ऑन अ सनी डे द वेदर इज डैश. सनी जब सूरज निकला हुआ होता है तो मौसम कैसा होता है. स्मेलिंग वार्म कोल्ड और स्नोइंग. तो वार्म गर्म होता है. इन विंटर वी कवर आवर हेड्स विद डैश. सर्दियों के मौसम में हम अपना सर किस चीज़ से कवर करते हैं. सॉरी हैंड्स है हाथ किस चीज़ से कवर करते हैं. ग्लव्स मफरल्स सैंडल्स और शॉल्स. हाथ हम किस चीज़ से कवर करते हैं. ग्लव्स से. ग्लव्स पहनते हैं हम हाथों पे दस्ताने. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है द स्टेट ऑफ द एयर एंड एटमोसफेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज वेदर. पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे जो है वो वेदर है. डैश इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. टेम्परेचर temperature is a measurement is measure of hotness and coldness. Next है we wrap dash and dash around our necks to protect us from the severe cold. हम अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए क्या पहनते हैं. we wrap muffles and shawls. muffles and shawls muffles और shawl पहनते हैं अराउंड आवर नेक टू प्रोटेक्ट. अपनी गर्दन के इर्द गिर्द टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सेवर कोल्ड. सर्दी से बचाने के लिए. लाइटिंग एंड थंडर फॉलो द सडन रेन इज थंडर स्टॉम. गरज चमक के साथ जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं. थंडर स्टॉम कहते हैं. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3. इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो क्वेश्चन आंसर करने हैं. देखिए फर्स्ट है When do we wear our raincoat? हम raincoat कब पहनते हैं. ये हमने previous videos जो थी हमने उसमें raincoat का जो topic था वो हमने पढ़ लिया था. ये है जी पेज नंबर 97 पे. इसका आंसर पेज नंबर 97 पे. ये देख लें जी क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर लिखा हुआ है. सॉरी 102 पेज का है ये क्वेश्चन है. तो वी वेयर रेनकोट अम्ब्रेला एंड गम बोर्ड्स टू गो आउट इन द रेन ड्यूरिंग द मूनसून सीजन. तो मूनसून सीजन में हम पहनते हैं अम्ब्रेला यूज करते हैं. ये इस क्वेश्चन का आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है. बी पार्ट है इसका व्हेन डू वी वेयर वूलन क्लॉथ. हम वूलन क्लॉथ कब पहनते हैं. तो आप यहीं से करें वी वेयर वूलन क्लॉथ इन विंटर सीजन. सर्दियों के मौसम में हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं. वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन. विंटर सीजन में पहनते हैं. तो आप यहाँ से शुरू करके इसके आगे विंटर सीजन लिख लें. थर्ड है विच आर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. साल के गर्म तरीन महीने कौन से हैं. आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे. यहाँ से
द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर आर अप्रैल टू जुलाई. अप्रैल से जुलाई तक जो महीने हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है. द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर आर फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई. अप्रैल से जुलाई तक आप लोग ये कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द डिफरेंट सीजन इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में डिफरेंट सीजन जो है वो आपने ड्रॉ करने हैं. विंटर, समर, मानसून और ये स्प्रिंग सीजन जो है, इस तरह आपने जो असाइनमेंट तैयार करनी है उसमें आप लोग सीजन जो हैं उनको ड्रॉ करें और असाइनमेंट जो है वो अपनी लाजमी जमा करवाएं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.